जिला विकास प्राधिकरण को पहाड़ी क्षेत्रों से स्थगित किया गया है, लेकिन शासनादेश जारी होने के बाद भी अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण के खिलाफ सर्वदलीय संघर्ष समिति का आंदोलन जारी है। उनका कहना है कि जिला विकास प्राधिकरण को स्थगित नहीं बल्कि पूरी तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए। जब तक यह समाप्त नहीं होगा उनका आंदोलन जारी रहेगा। सर्वदलीय संघर्ष समिति प्राधिकरण के खिलाफ अल्मोड़ा में पिछले 3 सालों से आंदोलनरत है। उन्हीं के संघर्ष व पहाड़ी क्षेत्रों में प्राधिकरण को लेकर लोगों की नाराजगी को देखते हुए आखिरकार सरकार ने प्राधिकरण को स्थगित करने का निर्णय लिया है। सर्वदलीय संघर्ष समिति के संयोजक प्रकाश जोशी का कहना है कि जिला विकास प्राधिकरण को स्थगित करने का सरकार ने शासनादेश तो जारी कर दिया है, लेकिन फिर भी जिला विकास प्राधिकरण को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। सरकार ने जिला विकास प्राधिकरण को स्थगित करने का की राजाज्ञा तो निकाली है, लेकिन सवाल यह है कि हमारे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनमें और अधिकारियों के वर्जन में, अधिकारियों के द्वारा जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं उनमें भारी अंतर है। लोग ये समझ बैठे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जिला विकास प्राधिकरण को स्थगित करने की घोषणा की है और बहुत जल्दी ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो अधिकारी वक्तव्य दे रहे हैं वो बिल्कुल अलग हैं। वो कह रहे हैं हम इसमें कुछ शिथिलता दे रहे हैं या इसके नियमों में थोड़ा परिवर्तन करेंगे, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जिससे ऐसा लगता है कि सरकार में और उनके अधिकारियों में कोई तालमेल नहीं है। मुख्यमंत्री और मंत्री अलग भाषा बोल रहे हैं और अधिकारी अलग भाषा बोल रहे हैं, तो किसकी बात मानी जाए? या तो मुख्यमंत्री और मंत्री जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं या अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। तो सवाल यह है कि किसकी बात पर हम विश्वास करें। हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को अल्मोड़ा से तुरंत समाप्त नहीं किया जाता।